हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। के सामने है, देखिए किस तरीके से ये धक्का मुक्की हुई है। वहां पर जमावड़ा बढ़ता हुआ लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जब राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की यूपी पुलिस ने की और इसके बाद राहुल गांधी जमीन पर गिर गए। राहुल गांधी फिर से उठे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया चोट लगी राहुल गांधी के हाथ में। बावजूद इसके राहुल ने आगे बढ़ने की जो ठानी थी उसी पर वो डटे रहे, कायम रहे और आखिरकार पुलिस ने राहुल गांधी से कहा कि हम आपको गिरफ्तार करते हैं। एक सवाल सर, आपके साथ जब धक्का मुक्की वाली बात मेरे को बात कर रहा था सर, आप मेरे साथ बात कर रहे थे उसी दौरान धक्का मुक्की हुई, क्या हुआ सर? ठीक है भाई, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा धक्का लग गया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सर आप उस समय अभी भी आगे जाने की बात, वो ठीक है, ये कह रहे हैं कि 144 में मुझे रोक रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि ये सब जो कांग्रेस के हैं यहाँ रुक जाएंगे, मैं सिर्फ अकेला अपने आप चलूंगा, वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे। पहले हम शांति से जा रहे थे, इन्होंने वहां पे सबकी गाड़ी रोक दी, इन्होंने वहां पे पूरा मतलब ट्रैफिक जाम कर दिया, कोई 144 में कुछ नहीं मतलब हम कर रहे थे, हम शांति से जा रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि हम नहीं जा सकते। लेकिन सर ये कह रहे हैं कि आगे हाथरस के डीएम ने ऑर्डर किया कि वहां न जाएं कोई भी, इसलिए मैंने उनसे पूछा किस बेसिस पे, कहते हैं 144 पे। मैंने कहा 144 पे मैं तो अकेला जाऊंगा, ये सब यहाँ रुक जाएंगे, मैंने इनसे कहा, ये सब कह रहे हैं कि हाँ हम रुक जाएंगे, तो 144 तो मेरे ऊपर रखे। क्या तय करें सर, जाएंगे ही जाएंगे? अब मैं तो जाना चाहता हूँ मगर ये हमें जाने नहीं दे रहे, तो आप यही रहेंगे तब तक ये फैसला नहीं होता। अभी हूँ यहाँ पे, राहुल जी धक्का बने रहेंगे, धक्का मुक्की पर उन्होंने कहा कि धक्का लग जाता है गिर जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर बने हुए हैं। उनका कहना है कि पुलिस उनको कह रही है कि आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन वो यहाँ पर अभी बने हुए हैं। कैमरा मनोज अधिकारी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो देखिए पुलिस की जो धक्का मुक्की राहुल गांधी के साथ हुई है उसे तूल नहीं दे रहा है राहुल गांधी। मुद्दे पर वो बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, वो गांव जाना चाहते हैं पीड़िता के। धक्के की बात को वो बिल्कुल तूल नहीं दे रहे और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो यही चाहते हैं कि पीड़ित परिवार से मिले, लेकिन पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। कह रहे हैं उन्होंने पुलिस से गुजारिश की तो पुलिस ने धारा 144 का हवाला दिया। इस पर राहुल गांधी ने पुलिस से कहा कि मैं अकेले चला जाता हूं। और ये एक बार फिर से जरा तस्वीरें देखिए कैसे, पहले राहुल के गिरेबान को पकड़ा, फिर पुलिस ने राहुल को धक्का मारा, इसके बाद राहुल गांधी सीधे जमीन पर गिरे कमर के बल और चारों तरफ पुलिस वाले, हाथ में लाठी डंडे, कॉलर के ऊपर देखिए कैसे हाथ गया पुलिस वाले का। ये तस्वीरें आपके सामने एक एक कर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी वहीं पर मौजूद और ये उस वक्त की तस्वीर है जब राहुल गांधी एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव से बात कर रहे थे और उसी दौरान ये धक्का मुक्की शुरू हुई थी। ये देखिए सबसे पहले कैसे जब प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बात करना शुरू किया राहुल गांधी से तभी ये धक्का मुक्की स्टार्ट हुई वहां पर, और इसके बाद लाठी कैसे तानी गई वो तस्वीर भी आपके सामने है। एक एक कर ये पूरा वाक्य हम आपको दिखा रहे हैं, आपको आसानी से समझ आ सके हुआ क्या था, इसीलिए बाकायदा लिख कर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरी घटना को राहुल गांधी ने तूल नहीं दिया है। दोबारा राहुल गांधी ने एबीपी न्यूज से बात की है और कह रहे हैं कि अभी भी वो चाहते हैं पीड़िता के गांव पहुंचे परिवार को सांत्वना देने के लिए, लेकिन पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही।